नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे सुमित्रा नंदन जी पंत, इनका निसर्ग वैभव यह पद्य। तो हम शुरुआत करेंगे उनके परिचय से, सुमित्रा नंद पंत जी से। उनका जो परिचय है, उनका जन्म 20 मई 1900 मतलब यहाँ पे कोसनी उत्तरखंड में दिया है। उनकी जो मृत्यु है वो 28 दिसंबर 1977 में हुई, और जन्म सॉरी 77 में हुई। उनका जो परिचय है वो है, पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना भी कुशल कवि थे, मतलब एक अच्छे कवि वो थे। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, साम ग्राम्य, चिंदाबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि, इनका वो काव्य संग्रह है। या हार, उपन्यास, 60 वर्ष, एक रेखांकन, कथात्मक उनका संस्मरण है। उनके पद्य संबंधी बताए जाए तो, कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप की कविता है। मतलब जो जगत है, जो निसर्ग वैभव है, उसका एक सुंदर ऐसा मार्मिक वर्णन इस कविता में हमको सीखना है, हमको देखना है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्मक आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे जो हमें हमारे सुमित्रा नंदन जी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको निसर्ग वर्णन, मतलब हमारी जो कविता है उसका ही नाम है निसर्ग वैभव, तो उसमें उन्होंने अनुभूति, मतलब जो उनकी अनुभूति है, उदात्तता है, और उसमें जो आध्यात्मिकता है, इसका भी उन्होंने इस कविता में हमको बताया है। तथा अद्भुत भाषा का प्रभाव एक वर्णन है, एक वर्णन शैली है, मतलब जो उनकी भाषा है वो बहुत ही अद्भुत ऐसी भाषा उन्होंने इस कविता में हमको मतलब बताई है। तो देखो, हम देखेंगे निसर्ग वैभव। मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगी कविता। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही है गिरी शिखर से झर, लौट रही है घाटी में लिपटी धूप छावों में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल, बहती सीमाहीन क्षण क्षण संगीत स्तोत्र सी, अरहर वन भू मरमर फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधु करदल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेती नीली छायाए कृष रवि किरणों में गुम्फित, दूर रोह भाती ढाले निचल तरंग सी स्तभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यदि यही सोती छिप निर्जन से करे संध्या वंदन, अपलकम तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन, स्तय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मरण वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन, खग चकते है फल कूतर रही है गिलरिया कोपल, वन पशु सब लगते है प्रसन्न परचित मरकत का आंगन में, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर संक्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जग चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो विष्पन्न जीवन मन संघर्षन, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिदिन नर अभिशापित हो उसका जीवन,
लगता अपनी शुद्ध रहता ही मेर सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानो मन निश्चित। अब हम कविता का सार देखेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर ने, मतलब कवि कहते हैं, कवि सुमित्रानंद जी कहते हैं कि कितनी सुंदरता जो बिखरी हुई है हमारे जीवन में, मतलब प्राकृतिक जगत में, जो हमारा प्राकृतिक जगत है उसमें बहुत, मतलब सारी सुंदरता, बहुत अच्छी सुंदरता हमारे जीवन में उन्होंने बिखरी हुई प्राकृतिक माध्यम से, प्राकृतिक जगत के माध्यम से। टपक रही है गिरी शिखरों से झर, लौट रही है घाटी में लिपटी धूप छाव निस्वर, मतलब गिरी स्वर में, मतलब जो पर्वत है उसके ऊपर, जो शिखर, जो पर्वत और शिखर है उसके ऊपर धूप छाव क्या कर रही है, लिपट रही है। धूप और छाव दोनों एक ही साथ वो क्या कर रहे हैं, लिपट रहे हैं पर्वतों को और शिखरों को। टपक गिरी शिखरों से झर, मतलब झरों को और धूप और छाव दोनों क्या है, पर्वतों को और शिखरों को क्या कर रही है, लिपट कर इधर से उधर जा रही है। अनिल स्पर्श पुलंकित तनद्रुल, अनिल स्पर्श मतलब क्या, पवन, पवन का स्पर्श, अनिल मतलब पवन। अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल, तृणदल मतलब तिनकों का समूह, तृणदल मतलब तिनकों का समूह। अनिल स्पर्श से पुलंकित, मतलब पुलंकित होना मतलब क्या, प्रसन्न होना। पवन स्पर्श से जो तिनकों का समूह है वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मतलब पवन का स्पर्श होने से वो प्रसन्न होकर इधर से उधर घूमता है तिनकों का समूह। बहती सीमाहीन शलक्षण, शलक्षण संगीत स्तोत्र सी, शलक्षण मतलब जो सीमा, और क्या करता है पवन जो होता है, अनिल जो होता है वो क्या करता है, सीमाहीन बहता है, मतलब वो सीमा लांग कर इधर से उधर बहता है, और जैसे वो प्रसन्न होकर तिनकों के समूह के जैसे लगता है। क्षण क्षण संगीत स्तोत्रति अहरह वनभू मरमर, मतलब क्षण क्षण मतलब मधुर ऐसे स्तोत्र वो जब बहता है पवन, तब ऐसा लगता है कि उसके जो मतलब आवाज़ है वो मधुर ऐसे आती है। क्षण क्षण मतलब क्या, चलो कृष्ण मतलब मधुर ऐसी आवाज़, मधुर ऐसा संगीत, उसका जो मधुर ऐसा संगीत है वो मतलब प्रतिदिन हमको इधर से उधर कानों में आता है, हमारे कानों के बीच में या फिर पहाड़ों के इधर उधर वो घूमते रहता है। वन भू मरमर वो भू मतलब ज़मीन के ऊपर या फिर पहाड़ों के ऊपर इधर उधर वो घूमतर, मतलब प्रतिदिन मतलब रोज़ वो क्या करता है इधर से उधर। अरहर मतलब प्रतिदिन, अरह मतलब प्रतिदिन। अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल बहती सीमाहीन, फिर से देखेंगे। क्षण क्षण संगीत स्तोत्र सी अरह वन भूमयमर, मतलब जो अनिल पवन का स्पर्श है उसे पुलंकित स्पर्श से, मतलब उसके जो प्रसन्न स्पर्श से जो तिनके का समूह है वो क्या करता है, प्रसन्न हो जाता है, और वह पवन क्या करता है, प्रसन्न होकर मधुर ऐसी आवाज़ कर जो वन भूमि है मतलब भू है जमीन है और जो वन है उसके इधर, मतलब प्रतिदिन मतलब रोज़ क्या करता है इधर से उधर आवाज़ करके मधुर ऐसे, क्षलक्षण मतलब क्या, मधुर ऐसा आवाज़ करके वो घूमता रहता है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, जो फूलों की ज्वाला है मतलब जो फूल है उनकी जो ज्वाला, मतलब एक साथ आने वाले सारे फूल वो क्या करते हैं, आंखें करती शीतल, आंखें कैसे करती है, शांत शीतल मतलब अच्छी कर देती है, अच्छे लगते हैं फूलों की ज्वालाएं। मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल मतलब कली,
फूले फूलों की ज्वालाएं आंखें धर करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीती, मधु मतलब मीठा ऐसा रस फूलों का क्या करती है मतलब मीठा रस पीते हैं, गुंजन भर मधुकर दल, मधुकर दल मतलब भोरों का दल, भोरों का दल क्या करता है फूलों के कलियों में जाकर उनका जो मीठा रस है वो क्या कर लेता है पी लेता है, तितली उड़ती है और तभी क्या करती है और मतलब फूल जब खिल जाते हैं तब उस पर तितली क्या करती है इधर से उधर उड़ती है मंडराती है, दूर कहीं पल्लव छाया में, दूर कहीं पल्लव, पल्लव मतलब क्या कोमल ऐसे पत्ते, मधुकर मतलब भौर, तितली उड़ती है फिर उस पर तितली उड़ जाती है, दूर कहीं पल्लव छाया में और उड़ते उड़ते वो इस प्रकार उड़ जाती है जैसे पल्लव छाया में मतलब इधर से उधर वो चली जाती है, सॉरी फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फिर से देखेंगे मुकुल अधर मधु पीते गुंजन वर मधुकर दल, मतलब भोरों का दल क्या करता है इधर से उधर मंडराता रहता है कली में घुसकर वो क्या करता है मधुर ऐसा कली का रस मतलब पीता है और फिर उस पर तितली क्या करती है मंडराती है इधर से उधर भागती है, दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, और तभी दूर कहीं वन छाया में जो कोयल है वो क्या करती है जो कोमल पत्ते है पल्लव मतलब क्या कोमल पत्ते, कोमल पत्तों में क्या करती है वो गाती है, जो उसके गीत है वो क्या करती है कोमल पत्तों के बीच में जाकर वह अपना गीत गाती है, लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, जो किरण मतलब जो किरणों की छाया है वो क्या हो जाती है नीली छाया मतलब जो वो क्या हो वो कैसी हो जाती है पहाड़ों के बीच जाकर उसका कलर बदल जाता है मतलब पहाड़ों जैसा कलर जो नीला है उस पर ऊपर आ जाता है, जो कृष रवि किरणों में गुम्फित और वो क्या हो जाती है किरणों का मतलब पहाड़ों का कलर उसमें आ जाता है वो क्या हो जाती है गुम्फित हो जाती है मतलब गूंथ जाना गूंथा हुआ, गुम्फित मतलब क्या गूंथा हुआ, लेटी नीली छाया है छाया क्या हो जाती है पर्वतों में गूंथ जाती है, कृष रवि किरणों में गुम्फित वो क्या हो जाती है कृष मतलब दुर्बल दुर्बल किरणों में क्या हो जाती है वो गूंथ हो जाती है, दुर्रोह भाती ढाले, दुर्रोह मतलब क्या कि ताड़ के पेड़ जो होते हैं जो क्या होता है जिस पर चढ़ना संभव नहीं होता है कठिन होता है, दुर्रोह मतलब ताड़ के पेड़, दुर्रोह मतलब ताड़ के पेड़, ताड़ का पेड़ जिसे हम बोलेंगे ताड़ एक वनस्पति है जिसका पेड़ और उसके ऊपर मतलब चढ़ना कठिन होता है असंभव होता है, निश्चल तरंग सी स्तभित और वो क्या हो जाता है निश्चल तरंग मतलब निश्चल हो जाती है स्थिर हो जाती है, स्तभित मतलब स्थिर होना, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम और वो क्या होती है स्वर्ण जैसी भाल जैसे उसके ऊपर किरण वहाँ पे गिरती है, करती उषा अभिनंदन फिर बाद में सुबह, सुबह क्या होती है उषा मतलब क्या सुबह, सुबह क्या होती है उसका अभिनंदन करती है, सांझ यही सोती छिप फिर बाद में सांझ होते मतलब शाम होते ही क्या हो जाती है वो छिप जाती है, और निर्जन में कर संध्यानंद और फिर बाद में संध्यानंद मतलब क्या मतलब जो जब रात हो जाती है तब वो क्या करती है जनहीन हो जाती है मतलब जो लोग हैं उनसे क्या हो जाती है वो गायब हो जाती है किरण, जनहीन मतलब क्या होना सॉरी निर्जन मतलब क्या जनहीन होना, वो क्या हो जाती है बाद में निर्जन मतलब संध्या वंदन होने के बाद जो किरण है वो क्या हो जाती है गायब हो जाती है जनहीन हो जाती है, अपलम तारा पथ शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, अपलम बिना पलक झपकाए जो शशि मुख है जो किरण है वो क्या हो जाता है दर्पण मतलब आईना बन जाता है, यही शैल कंधों पर सोया, शैल मतलब पर्वत, यही पर्वत क्या होता है जगता
गंध समीरन, मतलब जो पवन है वो क्या हो जाता है, पर्वत के कंधे पर सोता है। अल्पम तारापत शशिमुख, मतलब बिना पलक झपकाए, अल्पतम मतलब क्या, बिना पलक झपकाए किरण क्या करता है, उसका स्वागत करता है। यही शैल पर्वत कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन, समीरन मतलब पवन। पवन क्या करता है, मतलब जो हवा होती है वो क्या करता है, पर्वत के कंधों पर सोता है। जगता गंध समीरन, और उसको गंध देता है, मतलब जो पवन होती है उसको गंध फैलाकर वो उसके कंधों पर सोता है। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि, राशि सम्मोलन भरती मन में, सम्मोलन भरना मतलब सौंदर्य, जो राशि है, जो पवन है, पर्वत है, वो क्या करती है, सौंदर्य भरते हैं हमारे मन में। क्योंकि जो पर्वतों के राशि होती है, जो पंक्ति होती है, वो कैसी होती है, देखने लायक होती है। क्योंकि एक से मतलब एक यहाँ पे तो एक वहाँ पे, ऐसे मतलब उनकी जो राशि होती है, जो पंक्ति होती है, वो हमको मन को अच्छे मतलब अच्छे लगती है। कितना विस्मरणीय वैचित्र, वैचित्र मतलब अनोखाफन, कितना विस्मरणीय, विस्मरणीय मतलब न भूले ऐसा जो अनोखापन उसका दिखता है। वैचित्र मतलब अनोखापन। कितना वैचित्र है मतलब भरा पर्वत जीवन में, कितना अच्छा मतलब वैचित्र अनोखापन भरा हुआ है पर्वत जीवन में। क्योंकि पर्वत जब हम देखेंगे, मतलब जब हम भी देखते हैं पर्वत को, तो पर्वत कैसे लगता है, एक ही शिखर मतलब एक ही पंक्तियों में, एक ही राशियों में वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं। और हम देखते समय हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं और सम्मोहन करते हैं भरती मन में, और हमारा वो सम्मोहन करते हैं और हमारे मन में वो भर जाते हैं। कितना विस्मरणीय होता है यह दृश्य, ऐसे कवि बोलते हैं, अनोखापन होता है इसमें भर। और वो बोलते हैं पर्वत जीवन में ही एक अनोखापन है, अलग ऐसा उनका जीवन होता है। खग चकते हैं फल और कुतर रही है गिलरिया कोपल, जो खल है वो खग क्या करते हैं, फूल जो फूल हो उसको क्या करते हैं, चकते हैं। और जो कुतर रही है गिलरिया, गिलरी जो होती है वो क्या करती है, कोपल, कोपल मतलब जो पत्ते होते हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं, वो क्या करती है, कुतर रही है, मतलब उसको मतलब चक थोड़ा थोड़ा करके कुतरना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना। कुतर रही है गिलहरिया कोपल, कोपल मतलब पत्ते, कोमल पत्ते, ऐसे गिलहरी कुतर रही है। वन पशु सब लगते हैं प्रसन्न, जो वन है, जो वन के सारे पशु है वो कैसे लगते हैं, प्रसन्न लगते हैं, आनंदित लगते हैं। परिचित मरकत आंगन में, जैसे मरकत मतलब पन्ना या फिर एक रत्न, जैसे परिचित हो अगर वो हमारे आंगन में आए तो ऐसे लगते हैं जैसे वो हमसे परिचित हो। मरकत मतलब क्या, पन्ना, पन्ना मतलब एक रत्न है, ये एक रत्न का नाम है, एक प्रकार का रत्न। जो इस प्रकार लगता है वन पशु जब आते हैं तब आंगन में एक रत्न की तरह वह आभास होता है। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, स्वाभाविक है अगर मुझे यदि इस क्षण में ईश्वर का, ईश्वर के मतलब याद आता ईश्वर का। जड़ जग इतना सुंदर, जग मतलब जग इतना सुंदर है, चेतन जग में क्या कारण है, मतलब चेतन मतलब जो चिंता है उसकी क्या कारण है, हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इतना सुंदर है, जो पर्वतीय या फिर नैसर्गिक जो इतना खूबसूरत है, तो हमारे जीवन में चेतन मतलब जो चिंता है, वो दुख है, उसकी क्या आवश्यकता है, ऐसे कवि बोल रहे हैं। क्या कारण है इसका, रहता अहरह जो विष्पन्न जीवन मन का संघर्षण। अहरह मतलब प्रतिदिन, फिर क्यों मन चिंतित, विष्पन्न मतलब चिंतित, जीवन का संघर्ष, फिर क्यों मन हमारा चिंतित, संघर्ष में लगा होता है, चिंतित रहता है हमेशा, ऐसे कवि बोल रहे हैं। विष्पन्न मतलब क्या, विष्णन मतलब चिंतित, और
तो फिर कवि बोल रहे हैं, तो फिर हमारा मन इतने चिंता में इतना प्रतिदिन क्यों रहता है? प्रतिदिन मतलब अहरह मतलब क्या, प्रतिदिन यहाँ पे लिखा है मैंने, अहरह मतलब प्रतिदिन क्यों रहता है हमारा मन प्रतिदिन संघर्ष में। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, जो मनुज है, जो मनुष्य है, मनुष्यता है वो प्रकृति सब, तो उसको क्या करना है, फिर से क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना मतलब क्या, पृथक्करण करना, उसको क्या करना है, संश्लेषण करना है, मतलब क्या, उसको बारकाई से देखना है। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, जो ईश्वर का क्या है, नर मतलब जो मानव है, वो किसने किसका रूप है, ईश्वर का रूप है, उसको क्या करना है, मतलब प्रतिदिन यह देखना है, संश्लेषण पृथक्करण उसको करना है, विश्लेषण करना है। अशापित हो उसका जीवन, अशापित होने मतलब उसका जीवन अशापित करके उसको नहीं जीना है। लगता अपना शूद्र अहंता ही में, वो क्या करता है, शूद्र मतलब तुच्छ, उसको जो अहंकार है, अहंकार है, अहता मतलब क्या, अहंकार, जो उसका अहंकार है उसमें वो जीता है। सीमित केंद्रित छिन्न हो गया है विश्व चेतना से मानव मन निश्चल, जो सीमित है मतलब छोटा सा जो विश्व है उसमें क्या हो गया है, मानव उस पर केंद्रित हो गया है, उससे वो छिन्न मतलब क्या, शुद्र हो गया है, छिन्न हो गया है, उससे में ही वो मतलब मिल गया है। और विश्व चेतना मानव का मन निश्चित, और उसमें ही मानव ने क्या कर लिया है, उसका जीवन निश्चित कर लिया है। तो मानव को गवि कहते हैं, तुम क्या करो, तुम्हारा अहंकार है, अहता मतलब क्या, अहंकार, तुम क्या करो, बाहर निकालो, और जो तुम्हारा मन है उसे, जो सीमित है, केंद्रित है उससे, तो वो एक एक अच्छा मतलब अच्छे इसमें केंद्रित करो, जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, उसके उस पर तुम क्या करो, ध्यान दो। जो निसर्ग मतलब जो पर्वत है, या फिर जो सारे मानव जो सारे नैसर्गिक वैभव है, तो तुम क्या करो, उसमें आनंद लेने का प्रयत्न करो। ऐसे जो हमारे कवि है सुमित्रानंद पंत, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको इस कविता का मतलब इस पद्य का हमको विश्लेषण मतलब बताया है, मतलब कविता हमको बताई है। तो आज हमने इस तरह निसर्ग वैभव यह कविता देखी। धन्यवाद।